सो हे गाइस, आज मेरे पास पोकेमॉन जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स है, तो वीडियो को देखते जाओ और अगर तुम नए व्यूअर हो देन सब्सक्राइब करके जाना। तो हाँ, अब वीडियो को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिसोड नंबर 32 में हम लोग को एक नई ओपनिंग दिखाई गई थी, एक नई ओपनिंग थीम, तो उसमें बहुत सारे लीक्स निकल के आए। तो हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात थी कि एश एंड गो डिफरेंट रीजन के लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में जान रहे थे। तो मेरे ख्याल से इस बार एश एंड गो डिफरेंट रीजन के लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में जहाँ पे जान रहे थे, तो और वर्चुअली कॉन्टैक्ट के साथ साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट भी इन लोगों के साथ बनाएंगे। हम लोग को इस सीजन में हर रीजन के लेजेंडरी पोकेमॉन को एक ना एक बार तो देखने को पक्का मिलेगा, ये तो कन्फर्म्ड है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, पर इस इमेज में देखो गो के हाथ में एक पॉकीबॉल है और उसके बाद उसके ऊपर में स्पार्क आ रहा है, उस पॉकीबॉल में स्पार्क आ रहा है। और नेक्स्ट ही फ्रेम में वहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है कि जैप्टॉस उस पॉकीबॉल से निकल रहा है, उसके बाद पूरी बर्ड ट्रियो दिखाई जा रही है। तो क्या गो पकड़ चुका है जैप्टॉस? क्या ऐसा हो चुका है? ओ भाई, मारो मुझे। ये बहुत ही रिडिकुलस बात है। इसके बाद तो मैं 90% श्योर हूँ कि गो के पास जैप्टॉस आ चुका है, पर ऐश का क्या? तो देखो, ऐश के पास भी एक पोकेमॉन है, वो मैं बताता हूँ। वो पोकेमॉन इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, ऐश की टीम को फुलफिल कर देगा वो पोकेमॉन। एंड एक और हिंट, वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। हाँ, पिकाचू के बाद वो पोकेमॉन ऐश की टीम में होगा। पहले वीडियो देखते जाओ, मैं बताऊंगा वो पोकेमॉन कौन से। इसके बाद गो से रिलेटेड एक और अपडेट है कि गो ने फ्लाइगॉन को पकड़ लिया। यप, गो कॉट अ फ्लाइगॉन। जो लीक्स आई थी ऐश फ्लाइगॉन पकड़ेगा, तो ये इमेज में देखो यहाँ पे गो की पूरी टीम है। तो यहाँ पे तुम्हें सही से अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे फ्लाइगॉन है। जैसे कि हेराक्रॉस के बारे में अपडेट है कि नेक्स्ट एपिसोड में हेराक्रॉस दिखने वाले, तो मेरे ख्याल से गो वो पकड़ेगा एंड गो की टीम में फ्लाइगॉन है। लेकिन सभी पोकेमॉन क्या गो ही पकड़ेगा? ऐश के पास कोई नया पोकेमॉन नहीं आएगा। तो देखो नेक्स्ट है, फिर इस इमेज में ऐश एंड गो एटेनेटर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये नोटिस करो कि ऐश का रियलू यहाँ पे लुकारियो में इवॉल्व हो चुका है, गो का रबूट सिंडे इस में इवॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे डार्केस्ट डे का इवेंट तो पक्का आने वाला है, ये तो मान लो, ऐश वर्सेस एटेनेटर्स। तो ऐश, गो, अब जैशिन और जामाजेंटा को इन लोगों को जगाना होगा, कुछ ऐसे करना होगा, ऐसे हम लोग को गेम के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो कुछ ऐसे ही सीन होने वाले हैं। और यहाँ पे ऐश का लुकारियो तो अब 100% कन्फर्म हो चुका है, और गो का रबूट भी सिंडर एस बनेगा, ये भी अब 100% कन्फर्म हो चुका है। तो इस इमेज को देखो, 100% ये कन्फर्म्ड है। अब नेक्स्ट इमेज से हम लोग पता चल रहा है कि ऐश एंड गो कदीहान एंड लियोन से ऑफिशियली मिलेंगे। वेल, ये लोग पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली इन लोगों का बातचीत नहीं हुआ है, तो अभी ये सब होने वाला है। इसके बाद ऐश के जो अलोलन कंपेनियंस है, अलोला के जितने भी कंपेनियंस थे ऐश के, उनको भी एक फ्रेम में दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये भी कन्फर्म है कि अलोलन कंपेनियंस को एक ना एक एपिसोड में पक्का दिखाया जाएगा। लेकिन बाकी के कंपेनियंस का क्या? क्या बाकी के कंपेनियंस को दिखाया जाएगा? देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि दिखाया जाए। और अगली फ्रेम में यहाँ पे दिखाया है सेलेबी। तो मेरे ख्याल से सेलेबी कुछ ना कुछ इसके साथ पक्का होने वाला है। अगर गो मियो पकड़ेगा तो क्या ऐश के पास सेलेबी आ सकता है? हु नोज, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी कुछ भी कर सकती है इस सीजन के अंदर। लेकिन बस सेलेबी इस बार भी गो को ना दे दे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया कि डार्केस्ट डे का इवेंट आने वाला है, तो जैशिन एंड जामाजेंटा का भी श्राइन यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही वो जगह है जहाँ से ऐश एंड गो किसी न किसी तरीके से जैशिन एंड जामाजेंटा को अवेक करेंगे, एटेनेटस के खिलाफ जो बैटल होने वाली है ऐश एंड गो की, उसमें शामिल करेंगे। अब अगली अपडेट है ऐश के टीम से रिलेटेड। तो ऐश के टीम को यहाँ पे सही से देखो, यहाँ पे एक नया मेंबर दिख रहा है ना, यप, यैम्पर। ऐश की टीम में क्या यैम्पर ज्वाइन करेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी है ऐश की पोकेमॉन से, तो यैम्पर क्या ऐश के पास आएगा? अब वो कोहारू वाला यैम्पर है, उसका कुछ ऐश के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर कोई नया यैम्पर जो ऐश पकड़ ले, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया ऐश की टीम में, तो मेरे ख्याल से तो ऐश के पास ये यैम्पर आने वाला है। कब तक आते हैं वो दिखने वाली बात होगी, लेकिन ऐश की टीम में ये यैम्पर दिखा रहा है। ऐश का पिकाचू के बाद पहला इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन, क्या ये हो सकता है? इट कुड बी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्म हो चुका है कि यैम्पर ऐश की टीम में आएगा। टीम सॉन्ग के अंदर उसको दिखा दिया गया है ऐश की टीम में, इसका मतलब तो ये कंफर्म मान लो कि यैम्पर ऐश की टीम को ज्वाइन करने वाला है। तो या गाइस, ये थे कुछ अपडेट्स जो पोकेमॉन जर्नीज की थीम सॉन्ग के अंदर से निकल के आई थी। तो अगर और अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। इसे सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन का बेल दबा के रखो, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज इट, पोकेमॉन गैलेक्सी साइनिंग आउट।